एक बोर्डिंग स्कूल से अचानक 6 लड़के गायब हो जाते हैं और स्कूल वालों को लगता है कि शायद वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से अपने अपने घर भाग गए। लेकिन जब उन लड़कों के घर वालों को कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उनमें से एक भी लड़का घर गया ही नहीं। बोर्डिंग स्कूल वाले परेशान हो जाते हैं कि वो गए तो गए कहां। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उन 6 लड़कों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद में पुलिस लगातार कई महीनों तक तलाश करती है लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। अब आखिर वो 6 लड़के गए कहां। वो लड़के एक ऐसे आइलैंड पे फंस चुके थे जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब सवाल यह आता है कि वो 6 लड़के इस आइलैंड पे पहुंचे कैसे और क्या अब वो अपने घर वापस लौट पाएंगे, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 मिसिंग बॉयज के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में टोंगा देश के एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल से, जहां पर बहुत सारे बच्चे वहीं रहकर स्टडी किया करते थे। आपको पता ही होगा कि बोर्डिंग स्कूल में सब कुछ टाइम टू टाइम करना पड़ता है, जैसे टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम से पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चे इस टाइम मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन एक्टिविटीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के ये 6 स्टूडेंट्स भी वहां के टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उन 6 स्टूडेंट्स का नाम था साइन, स्टीफन, कोलो, डेविड, ल्यूक और मैनू। एक बार शाम के समय सभी बैठ कर बातें कर रहे थे, तभी साइन ने कहा, क्यों ना हम लोग कुछ नया एक्सप्लोर करें, किसी आइलैंड पे घूम के आए। तो बाकी लोगों ने कहा कि हमें स्कूल से तो बाहर जाने की परमिशन है नहीं, हम किसी आइलैंड पे कैसे जाएंगे। फिर साइन ने कहा कि हम सभी रात के समय आइलैंड के लिए निकलेंगे और एक दिन वहां पर रहकर वापस आ जाएंगे। फिर सभी ने साइन की बात मान ली और फिजी नाम के आइलैंड पे जाने का प्लान बनाया। फिजी आइलैंड टोंगा से लगभग 795 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन लड़कों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सफर उनके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। उस आइलैंड पे पहुंचने के लिए उनको एक बोट चाहिए थी, लेकिन उनके पास ना तो बोट थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो बोट को खरीद सकते। लेकिन उनके स्कूल से कुछ ही दूरी पे मछुआरे अपनी बोट को खड़ी किया करते थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना मछुआरों की बोट को चुरा लें और आइलैंड पे जाकर आएंगे और उसके बाद में जब वापस आएंगे तो बोट उनको वापस लौटा देंगे। रात के समय स्कूल में सब लोग सो जाने के बाद में उन लोगों ने थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया और एक छोटा सा गैस स्टोव लिया। फिर सीधा वहां गए जहां पे बोट बंधा करती थी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। बोट लेकर वो फिजी आइलैंड की तरफ निकल गए, लेकिन उनके पास ना तो कोई मैप था और ना ही कोई नेविगेटर जो उनको सही डायरेक्शन बता सकता। करीब 2 से 3 घंटों के बाद में सभी को नींद आने लग गई और वो एक एक करके सोने लग गए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि रात के समय ओशन में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, आपने भी अपने नियरेस्ट बीच पे देखा होगा। शाम होने के बाद में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए पुलिस भी समंदर में आगे जाने से मना करती है। नाउ बैक टू द टॉपिक। सबके सो जाने के कुछ देर बाद अचानक से जोरों से बिजली के गरजने की आवाज आती है और वो लोग घबरा के उठ जाते हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठ रही थी और वो अपने बोट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बोट कहां जा रही है। कुछ समय के बाद समंदर की लहरें शांत हो गई, उन लोगों को सामने एक आइलैंड दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन वो लोग अपनी बोट को आइलैंड की तरफ लेकर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रात के हादसे के बाद में उनकी जो बोट थी वो काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। उनका जो कंट्रोल था बोट के ऊपर से खो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों को पानी में डालकर चप्पू की तरह चलाना शुरू किया और आइलैंड की तरफ बढ़ने लग गए। पानी की लहरों ने भी उस आइलैंड तक पहुंचाने में उनकी काफी ज्यादा मदद की। अब जैसे तैसे करके ये लोग आइलैंड तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी ये आइलैंड के नीचे ही थे और बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। सभी लड़के इतना ज्यादा थक चुके थे कि अब उनके पास नीचे बने छोटे छोटे केव्स में रुकने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ देर आराम करने के बाद में उन्होंने आइलैंड की दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ने का ट्राई किया और लकीली इस बार वो आइलैंड के ऊपर चढ़ने में सक्सेसफुल रहे। वो लोग जिस आइलैंड पे थे वो फिजी आइलैंड नहीं था बल्कि एटा आइलैंड था, जो कि फिजी आइलैंड से लगभग 789 किलोमीटर दूर था। इस आइलैंड पर लोगों ने सैकड़ों सालों पहले ही रहना छोड़ दिया था, यानी कि उस वक्त एटा आइलैंड पर सिर्फ उन 6 लड़कों के अलावा कोई भी नहीं था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कोई ना कोई बोट यहां से गुजरेगी और जब वो गुजरेगी तो वो लोग उससे मदद मांगेंगे और वापस से बोर्डिंग स्कूल चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस आइलैंड के रास्ते से कोई भी बोट नहीं गुजरती थी। बोट का इंतजार करते करते रात हो गई। अब उन सभी को बहुत प्यास लगने लग गई। देखिए, खाने के बिना इंसान 4 से 5 दिन तक आसानी से रह सकता है, लेकिन पानी के बिना मैक्सिमम 3 दिन भी रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उस आइलैंड पे साफ पानी कहीं भी नहीं था, प्यास के मारे उनकी जान जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़के की नजर पक्षी के घोंसले पे जाती है, फिर उस घोंसले के अंदर जो अंडा रखा हुआ था उसका पल्प निकाल कर वो पी लेता है। अंडों को पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाना शुरू कर दिया, लेकिन भूख मिटाने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने पक्षियों को मार के कच्चा खाना शुरू कर दिया। और जो गैस स्टोव वो स्कूल से लाए थे वो तो उसी रात पानी में बह गया था, यानी कि उनके पास कच्चा मांस खाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब आप जरा सोच के देखिए कि उन लड़कों के लिए कच्चा मांस खाना कितना मुश्किल रहा होगा। पहले तो उनमें से कुछ लोगों ने कच्चा मांस खाते ही वॉमिट कर दिया, लेकिन और कुछ खाने लायक नहीं होने की वजह से उन्होंने भी धीरे धीरे पक्षियों का कच्चा मांस खाना शुरू किया। अब धीरे धीरे उन लोगों को इस आइलैंड पर रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। वो लोग ऐसे ही पक्षियों को खाकर उनके अंडों को पीकर सर्वाइव कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई जहाज
यहाँ से गुजरेगा और वो वापस अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये ख्याल सिर्फ ख्याल बनकर ही रह गया क्योंकि वहां से कोई भी नहीं गुजरा और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए उस आइलैंड पे फंस चुके थे। आइलैंड पे जाने का प्लान शायोन का था, इसलिए बाकी के लड़के उस पे चिल्लाने लग गए, तेरी वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। शायोन ने कहा, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं लाया था, तुम अपनी मर्जी से आए थे। ये बात सुनकर बाकी के लोग शांत हो गए क्योंकि ये बात सच थी, वो अपनी मर्जी से ही इस आइलैंड के ऊपर आए थे। देखते देखते उन लड़कों को इस आइलैंड पे रहते हुए कुछ महीने बीत गए, लेकिन अब तक एक भी जहाज उस रस्ते से नहीं गुजरा था। अब उन लोगों ने ये मान लिया था कि वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। वहीं टोंगा में उनके घर वालों ने भी ये मान लिया था कि अब उनके बच्चे कभी भी वापस नहीं आएंगे। टोंगा पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। उस आइलैंड पे वो 6 लड़के सिर्फ जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहे थे। एक दिन की बात है, स्टीफन और ल्यूक दोनों खाने की व्यवस्था करने के लिए पक्षी पकड़ रहे थे। ल्यूक ने कुछ पक्षियों को पकड़ लिया और स्टीफन से कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन स्टीफन ने कहा, वो देखो कितना बड़ा पक्षी है, उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। और जब स्टीफन उसे पकड़ने गया तो उसका पैर फिसल गया और वो सीधा आइलैंड से नीचे गिर गया। लकीली उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी जो एक टांग थी वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी थी। सब मिलकर उसे वापस ऊपर लेकर आ गए, लेकिन उस आइलैंड पर ना तो कोई दवा थी और ना ही कोई ऐसा इक्विपमेंट जिससे वो लोग स्टीफन के पैर का इलाज कर पाते। अब जरा सोच के देखिए, हमें छोटी सी भी चोट लगती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए स्टीफन अपनी टूटी हुई टांग की वजह से कई दिनों तक दर्द से चिल्लाता रहा। अब जरा ये भी सोचिए कि स्टीफन के लिए वो समय कैसा रहा होगा, कितना दर्द उसको हुआ होगा। उसके बाद में उन्होंने सोचा, क्यों ना लकड़ियों और पत्तों की मदद से इसके पैर को बांध दिया जाए। तो उसके बाद में उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद में धीरे धीरे स्टीफन को आराम मिलने लगा। एक बार की बात है, स्टीफन अपने घर वालों को याद करके रोने लगा। उसकी हालत को देखकर बाकी के लड़के भी इमोशनल हो गए। कुछ दिन बीते, उसके बाद में धीरे धीरे उसका पैर ठीक होने लगा। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों की मदद से आग जलाना सीख लिया और ये उनके लिए सबसे अच्छी चीज हुई क्योंकि उसके बाद में वो सारी चीजों को पकाकर खाने लगे। इसके अलावा पहले किसी भी एक लड़के को आइलैंड के किनारे पर बैठकर देखना पड़ता था कि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरे तो मिस ना हो जाए। वहीं अब आग की वजह से दूर से गुजरता जहाज भी उनको नोटिस कर सकता था। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा और कब उन लोगों को इस आइलैंड पे 15 महीने गुजर गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। इन 15 महीनों में एक भी जहाज वहां से नहीं गुजरा था। इतने दिनों में उन लड़कों ने इस आइलैंड पे बहुत कुछ बना लिया था, जैसे कि उन्होंने एक झोपड़ी बना ली थी, लकड़ियों से एक जिम बना लिया था, पानी जमा करने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल करने लग गए थे। खाने की तलाश करते करते उन्हें वहां पे मुर्गियां मिल गई और साथ ही साथ में उन्हें कुछ चाकू भी मिले थे जिनके ऊपर उन्होंने धार बनानी शुरू कर दी थी। भले ही अब ये आइलैंड उनके रहने लायक बन चुका था, लेकिन अभी भी उनके दिल में घर वापस जाने की इच्छा थी। फाइनली एक दिन स्टीफन को दूर से एक बोट नजर आती है, जिसे देखकर वो एकदम से चिल्लाने लगता है, अपने हाथों को जोर जोर से हवा में घुमाने लगता है। उस वक्त बोट पर एक लड़का था जिसका नाम था पीटर वार्नर। पीटर को सबसे पहले उस आइलैंड से उठता हुआ धुआं नजर आया तो उसने सोचा, इस सुनसान आइलैंड पे धुआं कहां से आ सकता है। पीटर ने अपनी बोट उस आइलैंड की तरफ घुमाई। जब पीटर ने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे स्टीफन दिखाई दिया। उसे लगा कि ये आइलैंड पे रहने वाला कोई आदिवासी होगा, इसलिए पीटर थोड़ा सा घबरा गया और उसने स्टीफन पर अपनी गन तान दी और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि पीटर कुछ समझ पाता, स्टीफन ने पानी में जंप लगा दी और तैरकर पीटर की बोट के पास पहुंच गया। पीटर ने अभी भी अपनी गन नीचे नहीं रखी थी, लेकिन फिर स्टीफन ने इंग्लिश में बोलना शुरू किया और सब कुछ अपने बारे में बताया, तब जाकर पीटर ने अपनी गन को नीचे किया। उसके बाद में पीटर स्टीफन के साथ उस आइलैंड के ऊपर गया और बाकी के लोगों से मिला, जिसके बाद में सब लोग पीटर की बोट में बैठकर अपने देश के लिए निकल गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो फाइनली 15 महीनों बाद ही सही, लेकिन उन 6 लड़के लोगों का स्ट्रगल खत्म तो हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। टोंगा पहुंचने के बाद में वहां की पुलिस ने उन 6 लड़कों को बोट चुराने के जुर्म में अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन पीटर को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां की सरकार से उसे कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम तो छोड़ो, उन लड़कों की कहानी तक बाहर नहीं आ पाई। फिर पीटर ने उन लड़कों के बारे में अपने एक दोस्त को बताया तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम इन 6 लड़कों की स्टोरी मीडिया वालों को दे दो, जब वो लोग इस स्टोरी को पब्लिश कर देंगे तब शायद टोंगा पुलिस उन 6 लड़कों को छोड़ दे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, पीटर के जो डैड थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिसकी वजह से उसकी मीडिया में अच्छी खासी पहचान थी। तो उसने मीडिया को जब 6 लड़कों की स्टोरी बताई तो उसे न्यूज पे चलाया गया और तब जाकर लोगों को उन लड़कों की सर्वाइवल स्टोरी के बारे में पता चला। उसके बाद में वहां के लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने लगे और कहा कि उन 6 लड़कों लोगों को छोड़ दिया जाए। फाइनली टोंगा पुलिस को भी उन लड़कों की पूरी कहानी समझ में आ गई और उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद में उन लड़कों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जिसके लिए पीटर को पैसे भी दिए गए क्योंकि उसी ने इस स्टोरी को बाहर लाने में मदद की थी। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर उन लड़कों की जगह आइलैंड पे आप होते तो क्या आप 15 महीने तक वहां पे रह पाते? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें।